वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं एसबी सर आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसे अनुपात के इसी क्रम में हम आज ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं, ऐसा टाइप लेकर आए हैं जिसमें हमारा ये टाइप है, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं वो भी परसेंट के हानि या लाभ में। तो देखिए हमारा अगर जो इस क्वेश्चन में इस टाइप में यदि दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, यदि एक वस्तु पर एक्स परसेंट का लाभ हो यानी प्रॉफिट, और वही दूसरे वस्तु पर एक्स परसेंट की हानि हो, हानि यानी माइनस लॉस। जब किसी समान मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है तो एक पर 10% एक्स परसेंट की प्रॉफिट यानी लाभ हो और उसी वस्तु पर एक्स परसेंट की हानि हो, तो ऐसी वस्तुओं में लास्ट में पूरा ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो देखिए कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कहते हैं कि अगर जो 100% का लाभ हुआ और दूसरी बार हमारा 100% की हानि हुआ तो हमारा इक्वल हो जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। ये क्या होता है, अगर जो x परसेंट का लाभ हो रहा है x परसेंट का हानि, यानी अगर जो उसी क्वेश्चन में 10% का लाभ हुआ और 10% का हानि हुआ तो ये बराबर नहीं होगा। इस प्रक्रिया में हमेशा उस व्यक्ति को हानि होगा। अब हानि होगा तो कैसे हानि होगा, चलिए देखते हैं। इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है पर उसे 20% का लाभ होता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होता है, तो उसे उस वस्तु पर मिलाकर कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। देखिए इस प्रकार की प्रक्रिया में हम जो बताए हैं अभी कि एक पर क्या हुआ हमारा एक्स परसेंट का लाभ होता है और एक पर एक्स परसेंट की हानि, तो इसको हम लगाने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 100 इतने परसेंट की हमेशा हानि होती है उस व्यक्ति पर या उस वस्तु पर, हमेशा एक्स स्क्वायर बाई 100% की क्या होती है, हानि होती है। तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन में जो टीवी सेट दिया है उस पर एक बार क्या हो रहा है, एक बार 20% का लाभ हो रहा है और उसी वस्तु पर 20% का एक बार क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यानी x की वैल्यू हम क्या बताए थे, यहाँ पर 20 दिया है। जब कोई वस्तु x परसेंट पर बेची जाए या x परसेंट की हानि की जाए तो यहाँ पर देखते हैं, इसी क्वेश्चन में हमारा दिया है 20% का एक बार लाभ हुआ, एक बार 20% का हानि हुआ, तो लास्ट में देखते हैं हमारा हानि हुआ कि लाभ हुआ या कितने का हानि लाभ हुआ, तो वही हम देखते हैं। x की जगह पर हम 20 रखेंगे तो यानी 20 पे स्क्वायर बटे 100। अब देखते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा स्क्वायर होने पर क्या करते हैं, 2 का इतनी बार गुणा करते हैं यानी 20 गुणे 20 बटे 100। हाँ देखिए 20 का 20 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 400 बटे 100, 00 से 00 कट गया, निकल करके आया 4% की हमारी क्या हुई, हानि। अगर जो उस टीवी सेट पर हमारा क्या बता रहा है, 20% का एक बार हानि लिया और एक बार लाभ, तो उस प्रक्रिया में पूरे ट्रांजैक्शन में हमेशा हानि होगा और कितने परसेंट की हानि होगा, 4% की। देखिए 20 पे स्क्वायर कर दिए भाई 100 फार्मूले के हिसाब से, तो हमारा 20 गुणे 20 कर देंगे भाई 100, 400 आएगा, 400 पे 400 बाई 100 यानी डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4 आया, 4% की हानि हुआ। देखिए इसी क्रम में हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो भी कोई वस्तु एक बार हानि हो रहा है एक बार लाभ हो रहा है वो भी परसेंट में। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक में 99% में बेचता, 99 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 10% की हानि होता तथा दूसरे पर 10% की लाभ होती है। देखिए एक बार क्या हुआ हमारा, इसमें लाभ हुआ एक बार हानि यानी कितने परसेंट का, 10% का, और उसी पर दूसरे पर 10% का हानि हुआ।
लेकिन उस रुपए में कितने रुपए में बेच रहा है, 99 रुपए में। 99 रुपए से हमें कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में जो दिया है 99 रुपया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमको केवल परसेंटेज देखना है। परसेंटेज में एक बार हमारा क्या बोल रहा है कि 10% का लाभ हुआ, उसी वस्तु पर 10% का हानि हुआ, तो बराबर नहीं होगा। तो देखिए बस वही हम पुराना ट्रिक आजमाएंगे इसमें, तो यानी 10 × 10 यानी 10 पे क्या करेंगे, स्क्वायर बटे 100। अब सबको पता है इसको हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो 10 × 10 होना होता है यानी 100 बटे 100, 100 बटे 100 हो जाएगा। 00 से 00 कट गया, 1 से 1 कट गया, यानी 1 ही आएगा। अब देखिए 1 जो आया है 1% की क्या होगी, हानि होगी, यानी जो वस्तु बेचा गया 99 रुपए में उस पर दो वस्तुएं बेची गई, एक पर 10% का लाभ हुआ, एक पर 10% की हानि हुआ। तो इस प्रक्रिया में पूरा देखते हैं कैलकुलेशन करने के बाद 1% की हमेशा हानि होती है। अब यही 10 से अगर जो डाउन होगा तो हमारा हानि जो है पॉइंट में आ जाता है। परसेंट जितना बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा हानि हमारा होता जाएगा, परसेंट यही हमारा डाउन हो जाएगा तो यानी पॉइंट में हमारा आ जाएगा। 10 से जैसे डाउन होगा हमारा पॉइंट में आ जाएगा। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, तो हमको पूरा विश्वास है, पूरा आशा है कि आपको ये क्वेश्चन और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो वीडियो पसंद आ गया होगा तो